आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में अनिस फातिमा। पेश है खबरनामा। तेलंगाना हुकूमत में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए चंद अहम इकदाम कर रही है। सुपर स्प्रेडर्स के तहत शिनाख्त करदा 10 मुख्तलिफ जुमरे के वर्कर्स में आज से कोरोना वैक्सीन टीका दिए जाने का अमल शुरू हो चुका है। ये अमल 10 दिन तक जारी रहेगा। तेलंगाना हुकूमत इन मुख्तलिफ जुमरे के अफराद को मुफ्त टीका दे रही है, जिससे 3 लाख अफराद इस्तेफादा करेंगे। जीएचएमसी के 30 सर्कल्स में खसूसी टीके के मराकज़ कायम किए गए हैं। जीएचएमसी में कोरोना मुतासरीन को सलाह व मशवरा देने के लिए खसूसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी ने तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। सनत नगर के जीएचएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुपर स्प्रेडर्स वैक्सीनेशन सेंटर को रियासी वजीर श्रीनिवास यादव के साथ मेयर विजय लक्ष्मी ने आगाज किया। పది రోజుల వరకు ఉంటుంది కాబట్టి దయచేసి దీని అందరూ ఉపయోగించుకోవాలి. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేకించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మరి వ్యాక్సిన్ విషయంలో కానివ్వండి, రెమిడేసివిర్ విషయంలో కానివ్వండి, ఐసోలేషన్ విషయంలో కానివ్వండి, ఆక్సిజన్ విషయంలో కానివ్వండి, మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ తీసుకోవడం, మరి జిహెచ్ఎంసి ఆధ్వర్యంలో కూడా ఈ 30 సెంటర్స్తో పాటు పేదవాళ్లకు మరి బుక్కెల అన్నం కూడా కావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో 60,000 మందికి అన్నపూర్ణ భోజనం ఏర్పాటు చేయడం, అది కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన మన రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ రక్షించుకోవాలి. ఈరోజు హాస్పిటల్స్లో ఎక్కడ లేని విధంగా ఈరోజు మనకు జరుగుతున్నటువంటి పరిణామాలు చూస్తాం. రెండోది మేయర్ గారు కూడా రెగ్యులర్గా శానిటేషన్ విషయంలో మరి విజిట్ చేయడం ఎక్కడిదక్కడ, ఎందుకంటే శానిటేషన్ అనేది కూడా ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషిస్తుంది. సేమ్ టైం మా కార్పొరేటర్లు, మా గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు ఒకటి ఏ కార్యక్రమాలు చేస్తూ కొంతమందికి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమాన్ని కూడా వాలంటరీగా చేస్తారు. కాబట్టి ఓవరాల్గా ప్రభుత్వ లక్ష్యం వల్ల మన ప్రజల్ని మనం కాపాడుకోవాలి. ఫస్ట్ వేవ్ ఒక పద్ధతులు వస్తే సెకండ్ వేవ్ అనేది చాలా స్పీడ్గా. चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने प्रेस क्लब हैदराबाद और नामपल्ली के वैक्सीन सेंटर्स, जहां सहाफियों और 8 शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले वैक्सीन देने के सेंटर्स का अफ्ताह अमल में लाने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि सहाफियों और कई एक शोबे जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को रोजाना ग्रेटर हैदराबाद में 30,000 और रियासत भर में 1.5 लाख अफराद को वैक्सीन देने के लिए खसूसी मराकज का क्याम अमल में लाया गया है। उन्होंने बताया कि इससे तमाम अफराद को फ़ायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट यूनियनों के कायदीन और जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार और दीगर भी मौजूद थे। सजेशंस के अनुसार ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। जीएचएमसी में 32 सेंटर्स हैं और रोज करीब 30,000 लोगों को ये देने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट्स, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट्स में 1,40,000 लोगों को ये किया जाता है। आप डायरेक्ट ना आए जब तक आपको आइडेंटिफाई करके आपको कूपन ना दिया जाए, जीएचएमसी में तो नहीं आए, डिस्ट्रिक्ट्स में इसी तरह की पद्धति से काम हो रहा है। जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पहले वही करेंगे, बाद में और लोगों का किया जाएगा। वजीर फाइनेंस हरीश राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बीआरके भवन से नई दिल्ली में मुनक्कदा जीएसटी के 43वें इजलास में हिस्सा लेते हुए मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से बात करते हुए तेलंगाना के जीएसटी के बकाया जात अदा करने के सिलसिले में नुमाइंदगी की। मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी के मसले को लेकर मुल्क के तमाम वजीर फाइनेंस और आला अहदेदारों से तबादले ख्याल किया है। डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर पुलिस चेक पोस्टों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि आवाम के तआवुन से लॉकडाउन पर बेहतर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी के बजाय
अवाम को घरों में क़याम को तरजीह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की तहदीदात पर अमल आवारी ज़रूरी है। उन्होंने वाजह किया कि दीगर रियासतों से ई पास के बगैर किसी भी शख्स और गाड़ी को तेलंगाना में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सरहद पर चेक पोस्ट पर ई पास पेश करना होगा। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंसेस और हॉस्पिटल वाली गाड़ियों के लिए पासेस ज़रूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरकारी गाड़ियों के लिए अलहदा पास की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत भर में पुलिस के तमाम आला अहदेदार लॉकडाउन के निफास की शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। డాక్టర్స్ కానీ తదితర సిబ్బంది కానీ మిగతా ఎసెన్షియల్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసే అధికారులు వాళ్ళ సిబ్బంది కానీ వారందరినీ కూడా ఫెసిలిటేట్ చేస్తూ ఈ లాక్డౌన్ని కఠినంగా అమలు చేయడమే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క లక్ష్యం। ఆ లక్ష్య సాధనలో ఈరోజు రాష్ట్రం అంతా కూడా పోలీస్ వ్యవస్థలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ముందుకు వెళ్తున్నారు। చాలా కష్టపడి 24/7 పనిచేస్తున్నారు। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోలీస్ అధికారులు సిబ్బంది అందరికీ కూడా నా అభినందనలు। చాలామంది సార్ పిల్లలు యువత క్రికెట్ పైన ఎక్కువ ఫోకస్ పెడుతున్నారు, అంటే కాలనీలలో బాగా తిరుగుతున్నారు కదా, ఏమన్నా దానికి ప్రత్యేక చర్యలు అలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయా? మరి ఆడుకోవచ్చు అంటారా మరి పిల్లల్ని? యువత కాలనీల్లో కూడా ఎవరు కూడా బయటికి రావద్దు। కాలనీ వైజ్ కూడా మేము టీమ్స్ ఫామ్ చేశాం। ఆ ఏరియాలో కాలనీ వైజ్ ఎవరైనా బయటకు వచ్చినా కూడా వాళ్ళ మీద కఠినమైనటువంటి చర్యలు ఉండడమే కాకుండా దీంట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళ యొక్క సహాయంతో మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా ఈ లాక్డౌన్ వైలేషన్ చేయకుండా పకడ్బందీ చర్యలు తీసుకుంటున్నాం। ఎవరు కూడా शहर के 3 कमिश्नरेट हदूद में लॉकडाउन को सख्ती के साथ नाफिज किया जा रहा है और कमिश्नर्स अज खुद लॉकडाउन के निफास का जायजा भी ले रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार ने हुमायूं नगर, मेहदीपट्टनम, रायतू बाजार का दौरा करते हुए चेक पोस्ट पर लॉकडाउन के निफास का जायजा लिया और अहदेदारों को चंद जरूरी हिदायतें भी जारी की हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रंजनी कुमार ने कहा कि रायतू बाजार जहाँ पर हर रोज हजारों अफराद तरकारी खरीदने आते हैं और ये एक मसरूफ तरीन इलाका है जहाँ हर वक्त आवाम का हजूम रहता है, तहम यहाँ पर अब तक कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने रायतू बाजार के इंतजामिया और किसानों को मुबारकबाद पेश की और कहा कि कोरोना कवानीन पर अमल करने से ही रायतू बाजार में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। उन्होंने मजीद तफसीलात से वाकिफ कराया। टू डीलर्स टू कंज्यूमर स्मूथ ऑपरेशन चल रहा है। इसके लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर्स, वेस्ट जोन के लॉ एंड ऑर्डर ऑफिसर्स, पूरे रैतू जो यहां आते हैं सामान लेकर, उनके जो डीलर हैं, एजेंट हैं, जो गाड़ी के ट्रांसपोर्टर्स हैं, यहां जो स्टॉक करते हैं उनको सेल करते हैं और जो सिटीजन्स उस सामान को खरीदते हैं, सबको हमारे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। यहां एक बहुत पुरानी लेडी है ज्योति, जो कि पिछले 6-7 साल से वेजिटेबल सेल करती है यहाँ, तो उन्होंने बताया कि मास्क के यूज करने से और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने से मेहंदीपट्टनम रायतू बाजार में सेकेंड वेव में अभी तक एक भी लोग को किसी को कोरोना का इन्फेक्शन नहीं आया है। तो मैं डिपार्टमेंट के तरफ से पूरे फार्मर्स को जो यहाँ आते हैं और पूरे कंज्यूमर्स को जो यहाँ आते हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपके डिसिप्लिन और आपके सेल्फ कंट्रोल के कारण रायतू बाजार मेहंदीपट्टनम में एक भी केसेस नहीं आया। और आज हमारे यहां वेस्ट जोन में कुछ फिलैंथ्रोपिस्ट लोग ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और मास्क दिए, उन लोगों को भी हम डिपार्टमेंट के तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से राइट फ्रॉम फर्स्ट डे
दोनों जुड़वे भाव भाई के ऐसा काम कर रहे हैं। हर हॉस्पिटल में सिटीजन्स के लिए हेल्प डेस्क है, गांधी हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत में जारी लॉकडाउन पर रियासती वज़रा और अरकान असेंबली काउंसिल को फ़ोन करते हुए अवामी रद्द अमल पर वाकफियत हासिल की। इसके अलावा लॉकडाउन में मजीद नरमी, लॉकडाउन में तौसी के ताल्लुक से भी तजावीज़ात हासिल की। वज़रा से बातचीत करते हुए केसीआर ने सवाल किया कि लॉकडाउन के बाद ज़िले में कोरोना के केसेस में कमी आई है या नहीं, लॉकडाउन के असर से कोरोना पर काबू हासिल करने की सिमत क्या असरात हैं। पुलिस की कारकर्दगी के ताल्लुक से भी चीफ मिनिस्टर ने वाकफियत हासिल की है। वाज रहे कि लॉकडाउन 12 मई से जारी है और 30 मई तक जारी रहेगा। इसमें तौसी या लॉकडाउन में नरमी के ताल्लुक से 30 मई को होने वाले काबीना इजलास में फैसला लिया जाएगा। वजीर सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि सुरवरम प्रताप रेड्डी ने कई शोबों में खदमात अंजाम देते हुए खास पहचान बनाकर मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। जुमा के रोज़ ज़िले वनपर्ती में सुरवरम के 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर ज़िले हेडक्वार्टर के सुरवरम पार्क में वाक़े सुरवरम प्रताप रेड्डी के मुजस्मे पर वजीर निरंजन रेड्डी और दीगर कायदीन ने फूल पेश करते हुए खराज तहसीन पेश किया है। इस मौके पर वजीर मौसुफ ने याद दहानी करवाते हुए कहा कि सुरवरम अदबी, सहाफ़ी और सियासतदान भी जिनकी सियासतदान थे जिनकी पूरे मुल्क में शोहरत हासिल है। उन्होंने कहा कि सुरवरम प्रताप रेड्डी की हुकूमत रियासत भर में यौम पैदाइश तकारीबात का अहतमाम कर रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कुली कुतुबशाह पॉलिटेक्निक कॉलेज रमनतपुरा में 20 बिस्तर वाला कोविड अस्पताल का अफ्तिताम अल मिलाया। इस दवाखाने में कोरोना के मुतासर मरीजों का इलाज करने के लिए तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान, जोनल कमिश्नर और MIM कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बात की है कि डेक्कन मेडिकल कॉलेज से फारिग जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में और गल्फ ममालिक में जो है उन तमाम ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आज हैदराबाद में कुली कुतुबशाह पॉलीटेक्निक में एक 20 बेडेड यहाँ पर कोविड के पेशेंट्स के उनके इलाज के लिए यहाँ पर एक 20 बेडेड टेम्पररी कहिए एक हॉस्पिटल की तरह यहाँ पर आगाज़ किया है, जिसमें माइल्ड और मॉडरेट कोविड के पेशेंट्स को यहाँ पर रखकर पूरा उनके लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स का भी इंतज़ाम है और डॉक्टर्स हैं और पूरा यहाँ पर एम्बुलेंस भी है और उनका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जिन हजरात को कुली कुतुबशाह पॉलीटेक्निक में जो 10 बेड मर्द हजरात के लिए और 10 बेड खवातीन के लिए हम यहाँ पर मुख्तसस किए गए हैं और उसका आगाज़ किया जा रहा है, उनका हेल्पलाइन नंबर है 7330867222। यहाँ पर एम्बुलेंस सर्विस भी है तो जो कोई भी इससे इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं मेरी और फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें। आज रियासत भर में नामवर शायर और तारीख दां सुरवरम प्रताप रेड्डी की यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद बल में आया। इस मौके पर वजीर एक्साइज खेल सियाहत श्रीनिवास गौर ने टैंक बंड पर सुरवरम प्रताप रेड्डी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश करते हुए ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। इस मौके पर वजीर ने सुरवरम प्रताप रेड्डी के खदमात को याद किया। इस प्रोग्राम में सुरवरम प्रताप रेड्डी के लवाहिकीन ने भी मौजूद थे। మహబూబ్నగర్ పాలమూరులో జిల్లా పుట్టినటువంటి ఆనిమత్యం ఆనాటి పరిపాలనలో తెలంగాణ ఖ్యాతిని ప్రపంచ స్థాయికి తీసుకుపోయిన గొప్ప వ్యక్తి, తెలంగాణను ఎవరైనా అవమానపరిచినా కించపరిచినా
चूप चूसा सहित लेदी के अंत एम तक लेदी गोपा चाटने गोप व्यक्ति कवले लेरू वंदा कवल साहित्य गोप चर उजी भयपड़क आनाटी प्रभु धैर्य का पोराटम धैर्य का प्रदर्शी गोलकोंड पत्रिक स्थापी के साहित्या मैं प्रपंचा चाटे गोप महोन्नत व्यक्ति आय आये के तेलंगा के गोप आदर्शप्राय गौरव मुख्यमंत्री गार वार जयंती उत्सवाल संवस निर्वहित जी संवस प्रति जिला अनेक सार्यक्रम तेलंगाना सीपीआई सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस के केसों की तादाद में कमी का मरकज और रियासी हुकूमत दावा कर रही है, जबकि कोरोना केसेस और अमवात पर बोगस एदादोशुमार बताते हुए अवाम को गुमराह किया जा रहा है। मोदी कोरोना लहर के पहले मरहले में जिस तरह इकदाम किए उससे बदतर इकदाम करते हुए कोरोना को काबू में लाने में नाकाम साबित हो चुके हैं। ब्लैक व्हाइट येलो फंगस की लहर भी शुरू होने के बावजूद मरकजी हुकूमत की नाअहली ताज्जुब खेज है। तेलंगाना में केसीआर हुकूमत जूनियर डॉक्टर्स ने जब नोटिस दी उसी वक्त बातचीत के जरिए मसाइल हल करते तो बेहतर था। दवाखानों में डॉक्टर्स अमले की तादाद में इजाफा करना और देही हेल्थ मराकज पर हुकूमत को तवज्जो देने की जरूरत है। హక్కుల కొరకు తప్పనిసరి కార్మికులు ఉద్యోగులు మరి ప్రభుత్వానికి నోటీసు ఇస్తారు, ఇది లేకపోతే సమ్మె పాట పడతారు. దీన్ని కూడా తప్పుబట్టి పరిస్థితులు ఉండడం అయితే అన్యాయం అని చెప్పి ఎస్ఎంపీ అభిప్రాయపడుతుంది. అందువల్ల తెలంగాణలో కూడా ఈ కరోనా విస్తరణ నేపథ్యంలో పల్లె పల్లెకు ఐసోలేషన్ సెంటర్లు పెట్టి తర్వాత ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో కూడా మరి ఇంకా డాక్టర్ల సంఖ్య తక్షణ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుని పెంచి మరి ప్రజలకు అందుబాటులో ఆరోగ్యాన్ని అందుబాటులో ఉంచడానికి ఆరోగ్య శాఖ అందుబాటులో ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేయాలని సిపిఐ విజ్ఞప్తిస్తుంది. సహాయ చర్యలకు సంబంధించి కూడా వాళ్ళ ప్రైవేట్ టీచర్లకు ఎట్లయితే ఇచ్చినారో ఇంకా విద్యా వాలంటీర్లు రకరకాలుగా అనేక మంది చిరుద్యోగులు ఉన్నారు, వాళ్ళందరిది కూడా మరి వాళ్ళు ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం పెద్దన్న सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी के नारायण ने कहा कि बानी आनंदया कोरोना वायरस के लिए जो आयुर्वेदिक दवा तैयार की है 24 घंटों में मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि तहकीकात के नाम पर दवा की तैयारी को रोक दिया गया। नेल्लूर से ताल्लुक रखने वाले एक वजीर आनंदैया से मिलकर रजादाराना तौर पर दवा तैयार करवा कर दिल्ली और दीगर मुकामात को रवाना किया है। आनंदैया की दवा से साइड इफेक्ट की खबरें सिर्फ अफवाहें, चंद कॉरपोरेट इदारे कोरोना दवाई के नाम पर करोड़ा लूट रहे हैं, इसलिए ये लोग गलत बोगस खबरें फैला रहे हैं। आनंदैया कोरोना का कामयाब इलाज मुफ्त में कर रहे थे। विघटक विघटी अभी आये वैद्यम का षुगर पे वाले विषय पिष्क आधा अरवे डेब वेल मंद की पे वैद्य व्यवस्थे एला इबंध कल अंदर आयुर्वेदिक मूलिकले अभी पे पे जिले कामारेड्डी में पेश आए एक अफसोसनाक वाकये में मजदूर बर्खी तारों के छूने से हलाक हो गया। बताया जा रहा है कि दोमाकुंडा मंडल में नरसिम्हा नामी मजदूर बर्खी पोल पर बल्ब लगा रहा था कि अचानक बर्खी तारों की जद में आ गया, जिसकी वजह से नरसिम्हा की मौके पर ही मौत हो गई। मुकामी लोगों की इतला पर पुलिस जायकों पर पहुंची, नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है। नरसिम्हा की मौत की खबर पर उसके कुंबे के अफराद में गम की लहर दौड़ गई है। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफिज़।